दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का क्वार्टर फाइनल 3 जो खेला जाएगा आज रात को, ठीक है। इसके बाद ज्यादा मैचेस बचे नहीं है और एक क्वार्टर फाइनल और बचा हुआ है, दो सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, यानी 4 से 5 मैचेस बचे हुए हमारे पास टोटल इस मैच में, मतलब इस सीरीज में, ठीक है। नॉर्थम्प्टनशायर प्लस यहाँ पर समरसेट यानी NOR वर्सेज SOM का जो आज टी20 ब्लास्ट खेला जाएगा, क्या हमारी प्रेडिक्शन रहेगी, वो सारे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो क्वार्टर फाइनल 1 की वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा वॉन किया ही होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस करेक्ट गई थी जिससे किसी ने की ही नहीं थी यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा मैटर यानी ग्रैंडली की टीम के लिए जितना मेटेरियल चाहिए वो आपको मिलने वाला है इस वीडियो से। बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को एंड तक देखना, यानी जहां तक आपका फायदा होना वीडियो देख के वहां तक वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपकी टीम अच्छी खासी बन सके, चाहे स्मॉल लीग की हो या फिर चाहे ग्रैंड लीग की हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो, जल्दी से चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके साथ ही हाथ को खाली मत छोड़ना, लाइक भी कर देना वीडियो को साथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है, ये खेला जाएगा कहाँ, काउंटी ग्राउंड नॉर्थम्प्टन में, यानी इनके होम ग्राउंड पर, और इनका रिकॉर्ड यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। ग्राउंड अच्छा है और सबसे बड़ी बात, बारिश की कोई टेंशन नहीं है, वेदर क्लाउडी है, यानी मैच आपको पूरा देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, सारे मैचेस ज्यादातर रात होते हैं, ठीक है। चलिए, इस ग्राउंड पर टोटल 66 मैचेस खेले गए हैं डोमेस्टिक, जिनमें से 37 बैट फर्स्ट और 28 बैट सेकंड। कहीं ना कहीं एडवांटेज है बैट फर्स्ट में, ध्यान रखना, और एक मैच टाइम हुआ है, ठीक है। तो बैट फर्स्ट वाली टीम यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकती है और 175 का यहाँ पे एक एवरेज स्कोर है भाई, यहां तक का स्कोर यहाँ पे बन जाता है, यानी टोटल देखा जाए तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, रन्स यहाँ पे अच्छे खासे बनते हैं। आपको बैटर्स पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास दिखाने चाहिए, वो भी अच्छे जो मतलब हिटिंग कर लेते ना, उन बैटर्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा विश्वास दिखाने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ टोटल यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखो, तो 150 तक मात्र 11 बार बना हुआ है, 66 एवरेजेस में मास 11 बार केवल 150 तक। अब समझ सकते हो ग्राउंड कैसा है रन्स के मामले में। 170 तक 17 बार गया हुआ है और 190 19 और 190 प्लस भी 19 बार गया हुआ, यानी आपको टीम अच्छी खासी बनानी है 190 प्लस की। 170 तक की तब बनाना जब ये लोग यानी समरसेट वाले पहले बैटिंग के लिए, तब 170 तक की टीम आप बना सकते हो। वहीं अगर नॉर्थम यानी NOR वाले जो है ये अगर पहले बैटिंग के लिए आता है, तो आपको 190 या फिर 190 प्लस की ही टीम बनानी चाहिए इस मैच में, क्योंकि इतना स्कोर यहां पर बन जाएगा। और प्लेयर्स में चेंजेस बहुत ज्यादा है, पिछली प्लेयर में भूल जाओ, क्योंकि दो दो तीन तीन प्लेयर नहीं खेले, क्योंकि इनके जो अपना कल मैच हुआ था ना, जो वहां पर भी खेल रहे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कल ऑस्ट्रेलिया का था, आई थिंक किसका था, स्कॉटलैंड वाला जो मैच था, ठीक है, वहां पर भी खेल रहे, तो थोड़ा सा प्लेयर्स चेंजेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग पैटर्न है। अब आ जाओ थोड़ा सा हेड टू हेड रिसेंट और लास्ट के 10 मैचेस में इस ग्राउंड पर क्या मामला रहा है। देखो, हेड टू हेड में दो मैचेस यहाँ पे NOR जीते हैं और 3 मैच यहाँ पे SOM, ठीक है। और रिसेंट में इस सीरीज में देखा जाए तो मतलब इस सीरीज में क्या लगभग सीरीज ही हो गया फिर लास्ट के 5 मैच, तो ठीक है, 4 मैच यहाँ पे ये लोग जीते हैं अपने लास्ट के 5 में से, यानी NOR वाले, 3 मैच यहाँ पे SOM यानी समरसेट वाले भी 3 मैच अपने सीरीज में जीते हैं। दोनों टीम टॉप में अच्छी खासी है और इस सीरीज में देखो तो टोटल दोनों टीम्स ने 14-14 मैचेस खेले हैं और 8-8 मैच इन्होंने जीते हैं, बाकी के हारे हैं, ठीक है। तो ये था इनका मामला। लास्ट के 10 मैच देखो, लास्ट के 10 मैच में 71 विकेट यहाँ पे पेसर्स के हैं और 34 विकेट यहाँ पे स्पिन के हैं। स्पिन गेम में बहुत कम रहेगी, ध्यान रखना। अब भाई बिल्कुल अलग ही उल्टा ही हो जाए, स्पिन ही विकेट ले जाए तो फिर ये मत कहना भाई प्रेडिक्शन गलत है, मगर जो रिकॉर्ड्स हैं उस हिसाब को देखते हुए स्पिन थोड़ी सी फेंकी पड़ने वाली है और पेसर्स से आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। चलिए, तो ये तो था मामला भैया विकेट का, ग्राउंड का मामला, इस मैच का थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप का। अब बात करते हैं एक एक प्लेयर एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलर चारों अलग अलग, ताकि आपको प्लेयर्स को चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो, दिक्कत ना हो प्लेयर्स को समझने में, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन, उससे पहले भाई इस फैंटेसी फील्ड की नंबर 1 एप्लीकेशन विजन 11 अब तक डाउनलोड नहीं करी हो तो जल्दी से कर लो, वीडियो बाद में देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ पर रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना, 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हो किसी भी लीग में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एंट्री फीस तो कम आपको मिलेगी ही, कॉम्पिटिशन भी लो ही मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे TDS GST बिल्कुल फ्री है, आप अच्छा खासा खेल सकते हो, अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको 2 एप्लीकेशन और ऐसी बताने वाला हूँ। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो L मैकमैनस है, ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। यहां से बात करें R वेस्कॉन्सेलोस है, इसको ये आपके लिए डिफेंसिव पिक हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि इसका ना इस ग्राउंड ये लोग यहाँ पे इस ग्राउंड पे ज्यादा मैचेस खेलते हैं और इस ग्राउंड पे इस बंदे का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखना, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। बाकी टॉम बेंटन ये भैया फुल रिस्की रहने वाला आज के मैच में, उसका रीजन क्या है, इस ग्राउंड पे कुछ खास नहीं कर पाता, ठीक है। और सामने बॉलर्स भी काफी अच्छे हैं, ध्यान रखना, इसके बॉलर्स भी काफी अच्छे हैं, तो इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब, 10 टीम लगा रहे हो, 10 में से 5 से 6 टीम में लेके चलना
बाकी 3 से 4 टीम में ड्रॉप करके चल रहा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जैसा आपको बताया हेड टू हेड तो कुछ खास है ही नहीं, बट ग्राउंड पे भी कुछ खास बंदे का रिकॉर्ड नहीं है। आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो अपने बेस पे, ठीक है। टॉम बेंटन बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, रिस्क रहेगा। उसके बाद यहां से जो एम ब्रिड्स ये है, साथ में एस जेब है, जे बोर्ड है, जो नए प्लेयर के खेल चुके हैं सीरीज में इनके साथ, ठीक है ठीक है। एम ब्रिड्स के है, इसका भी भाई इस ग्राउंड पे मामला टक जाता है। आप रखना चाहते हो रख सकते हो, मगर ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो बड़े प्लेयर्स है ना उनको आपको ड्रॉप करके किसी ना किसी को चलना पड़ेगा, जिनमें से ब्रिज भी आता है जो इसका, क्योंकि इस ग्राउंड पर कुछ खास मामला नहीं है, बॉलर सामने अच्छे है तो थोड़ा सा मामला डगमगा सकता है। हालांकि 10 टीम लगाओगे सेम जैसे टॉम बेंटन के साथ करना है, 4 से 5 टीम में लेके चलना और कुछ टीम्स में ड्रॉप करके चलना है, स्मॉल लीग वाले लेके चलना। एस जेब ये आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, हालांकि इसका परसेंटेज भी हाई है, सिलेक्शन भी हाई है, मगर प्लेयर कुछ कर सकता है इस मैच में, आपके लिए ड्रीम टीम का प्लेयर अच्छा खासा बन सकता है। जे बोर्ड को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बैटिंग ऑर्डर कोई शॉर्ट शॉट नहीं है, कहां आएगा खेलने के लिए, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रिकॉर्ड्स कुछ खास है नहीं, ग्राउंड पे भी हेड टू हेड तो आई थिंक है ही नहीं, ठीक है। यहां से जो समरसेट से टीकेसी है, साथ में आपका टॉम एबल है, डिक्सन है, ये आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है, डिक्सन ध्यान रखना पार्ट टाइम बॉलिंग के लिए भी आ सकता है, ठीक है। विल समीर है और यहाँ पे लेमोनी है, लेमोन भी, ठीक है, टी लेमोन भी, ये भी आपके लिए इस मैच में खेलने वाला है। इसमें से मतलब मैंने बोला ना आपको कि चेंजेस काफी ज्यादा है, प्लेयर्स गायब है, बाहर गए हुए अदर मैचेस खेलने के लिए, तो वहां पे यहाँ पे लेमोन भी आज आपको दिखेंगे और ये भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है समरसेट की तरफ से। अब आ जाओ भैया टीकेसी और टॉम एबल, ये दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है इनके साइड से, और स्मॉल लीग वाले दोनों को लेके चलना, मगर ग्रैंड लीग वाले ध्यान रखना टॉम एबल और टीकेसी दोनों पर रिस्क लेके जरूर चलना, यानी किसी टीम में एक को रखना है और किसी टीम में एक को रखना है, इन दोनों में से एक प्लेयर आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से जहां तक मुझे लगता है एक ही चलने वाला है, एक फ्लॉप जाएगा। अब वो देखते हैं कौन है क्या है, और हमारे प्रेडिक्शन भैया जहां तक मुझे रिकॉर्ड देखते हुए लगता है टीकेसी ऐसा प्लेयर है जो मे बी इस मैच में फ्लॉप जा सकता है, ठीक है। तो ये था विकेट कीपर बैट्समैन, कुछ मिस हुआ हो तो जल्दी से कमेंट कर देना, तो वीडियो को जल्दी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर देना। बाकी बात करते हैं ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर पर कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से भैया रवि भोपारा वगैरह सब गायब है, सिकंदर रजा वगैरह कोई नहीं खेलने वाला, ठीक है। क्या इन चारों में से कौन से हमारे काम के प्लेयर है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे फैंटेसी फील्ड की दूसरी एप्लीकेशन, क्या नाम आपका, बैटबॉल 11, अगर डाउनलोड नहीं करी है तो वो भी कर लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ पर रेफर कोड चंद123 वहां पे भी यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। यहाँ पे भी टीडीएस जीएसटी बिल्कुल फ्री है, ठीक है, प्लस आपका कॉम्पिटिशन भी लो मिलने वाला, और यहाँ पर रमी या फिर क्या नाम है लूडो जैसे गेम्स आप एक्स्ट्रा रन कर सकते हो। अब आ जाओ भैया डेविड विली, जो बिल्कुल हर हाल में रखना ही है, इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आपको कुछ वैल्यू अच्छी खासी यहाँ से देने वाला है। साथ में आपका एस्टन अगर है, इसको थोड़ा सा कम सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने बोला स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा फीका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस ग्राउंड पे भी बंदे का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड में आई थिंक एक ही विकेट है, तो मैं थोड़ा कम ही करूंगा एस्टन अगर को, आप रखना चाहते हो रख सकते हो, इनकी तरफ से पेसर्स आपके पास ज्यादा काम आएंगे। साथ में आपका बेन ग्रीन और एल ग्रोरी, ये दो प्लेयर तो ऐसे में जब भी इनके साथ खेलते हैं ना हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, विकेट से भी बॉल से भी, मतलब बॉल से भी और बैटिंग से भी, दोनों जगह से आपको परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं बेन ग्रीन और आपका ग्रोरी, तो इंपॉर्टेंट है कि गलती से भी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, यानी 3 ऑलराउंडर ऐसे हैं जिनको हमको छोड़ना ही नहीं है। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग में भी आपके पास भरमार है, 4 दिन 7 प्लेयर है, कौन से प्लेयर किस काम आएंगे ध्यान रखना। बी सैंडरसन है, गलती से भी इसको भी ड्रॉप नहीं करना, बिल्कुल चिपका के रखो अभी से अपनी टीम में, फिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फील्ड क्या नाम आपका फिर एफ हेल्ड्रिच, ये दो, ये भी आपको गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है। अब बारी आते हैं यहाँ पे जे व्हाइट और स्टीमसो, ये दो प्लेयर ऐसे ना, इनमें से एक आपको लेके चलना पड़ेगा, सॉरी इन दोनों में से एक को लेके चलना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 टीम लगा रहे हो, 10 में से दो तो मतलब 10 टीम में से इन दोनों को तो फिक्स करके चलना, बाकी बची 10 टीम, उन 10 में 5 में जे व्हाइट को लेके चलना, 5 टीम में स्क्रीनशो को लेके चलना, स्क्रीनशो का भी रिकॉर्ड जबरदस्त है, वापसी कर रहा है इस मैच में, तो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है। यहां से आ जाओ मात्र दो ही प्लेयर, क्रेग ओवरटन और साथ में आपका जैक बॉल, ये दो प्लेयर हैं जिनको सजेस्ट करूंगा सबसे ज्यादा रखना चाहिए टीम में आपको, बाकी यहां से आर परवे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको हेड टू हेड ग्राउंड में कुछ खास मामला नहीं है, हालांकि प्लेयर अच्छा है, बैटिंग से भी आपको कुछ वैल्यू दे सकता है, ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो अपने बेस में, बट मैं थोड़ा सा ड्रॉप करने नहीं करूंगा। स्मॉल लीग वाले भैया यहां से स्क्रीनशॉट को चाहो तो गायब कर सकते हो, प्लस सैंडरसन और हेल्ड्रिच और साथ में आपका क्रैग ओवरटन और जैक बॉल, ऐसे करके अपनी स्मॉल लीग की टीम्स बना सकते, ठीक है। तो ये था भैया मामला सारा इस ग्राउंड का, इस मैच का, क्या रहने वाला नहीं, जितना मटेरियल था एक ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग की टीम या फिर स्मॉल लीग की टीम की विनिंग टीम बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको ए टू जेड बता चुका हूं। बाकी अब बचा फाइनल हमारे फिक्स प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन, प्लस हमारे ट्रंप कार्ड
चार वो प्लेयर जिनको ड्रॉप करके चलना है और चार वो प्लेयर जिनको अपनी टीम में पिक करके चलना है जिन्हें कोई ले ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे आगे। उससे पहले हमारे फैंटेसी बिल्ड की तीसरी एप्लीकेशन फोकस 11 अगर डाउनलोड नहीं करिए तो भाई जल्दी से कर लो, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, साथ में रेफर कोड GET555 यूज करोगे 555 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। भाई यहाँ पर खास बात यह है, इस बोनस को आप किसी भी लीग में यूज कर सकते हैं, स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग, वो भी 70-80%। TDS GST बिल्कुल फ्री है और कॉम्पिटिशन आपको लो ही मिलने वाला, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आ जाओ फिक्स प्लेयर। सबसे पहले फिक्स प्लेयर की बात करें, ग्रैंड लीग के लिए ध्यान से रखना, स्मॉल लीग में भी चाहो तो फिक्स कर सकते हो अगर आपको लगता है इस तरह से विनिंग हो सकती है तो, ठीक है। SJV जो बिल्कुल फिक्स रहेंगे, डेविड विली मैंने आपको बोला गलती से भी नहीं छोड़ना, बी सैंडरसन और एफ हेलरिच पहली बोला गलती से भी नहीं छोड़ना, अगर आपको लगता है ये फिक्स रहनी चाहिए आपके चार प्लेयर तो आप उनको कर सकते हो। बाकी यहां से देखो, वैन ग्रीन है, डिक्सन है, सातवां एल क्रोरी है और क्रैक ओबर्टन है, ये चार प्लेयर समरसेट से भी निकले, आठ प्लेयर आपके ऐसे निकल के आते हैं जो स्मॉल लीग में आपके पास तो होने ही चाहिए और प्लस ग्रैंडिंग में भी आप इनको फिक्स करके सोच सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली ट्रंप कार्ड। भाई ये ट्रंप कार्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, यस वाले वो जिनको ट्राई करना है बहुत कम लोग ले रहे हैं, परसेंटेज बहुत लो है। नो वाले वो हैं जिनके परसेंटेज बहुत हाई है, इन्हीं के पीछे पड़े लोग आपको रिस्क लेना चाहिए तभी आपकी टीम बनेगी। इन चार में से कम आपको तीन फ्लॉप होते हुए नजर जरूर आएंगे, ध्यान रखना। यहां से देखो आरवी बोले तो विकेट कीपर यहां से आर वेस्कॉन्सेलेस, ठीक है, यहां से जीएस बोले तो आपका जीएस स्क्रीनशो, ध्यान रखना। यहां से बात करें तो टीएल बोले तो आपका लेमोन भी, साथ में आपका जेबी बोले तो जैक बॉल, ये चार प्लेयर ऐसे है ना इनके परसेंटेज बहुत कम, तो इनको बहुत कम लोग ट्राई करने वाले, आपको इनमें से पिक करके चलना, कम से कम दो या तीन लेके चलने। नो वाले वो है भैया जिनकी परसेंटेज बहुत हाई है, एम बी बोले तो आपका एम ब्रिट्स, इसको ध्यान रखना, ए बोले तो एस्टोन, अगर इनकी परसेंटेज ज्यादा है और रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा इन पे, क्योंकि यहां से अगर फ्लॉप जाते हैं तो आपकी टीम बहुत ज्यादा रैंक करती है। समरसेट से बात करें टीबी बोले तो टॉम बेंटन, इसका भी ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरी ट्रिक बताई है, शुरू से वीडियो स्किप करिए तो देख लो दोबारा जाके। टीए बोले तो आपका टीए कौन आ गया भाई, टीए बोले तो टॉम एबल पे भी थोड़ा सा, ये टॉम एबल के दो प्लेयर है, टीकेसी और टॉम एबल, ये दो है और स्पेशली टॉम एबल पे भी आप थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना इस मैच में, तो ये टोटल आठ प्लेयर है जिन पर आपको रिस्क लेके चलना है, ध्यान रखना, जिनको ये फ्लॉप होंगे फ्लॉप, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से स्मैश लेके चलना है, कंफ्यूजन बहुत बनी रहेगी। सबसे ज्यादा आपको स्मॉल लीग में कौन दिखेगा, डेविड विली कैप्टन दिखने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें लेके चलना थोड़ा सा यूनिक बने ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। विकेट कीपर में से कोई मतलब सजेस्ट करूंगा नहीं, एक टॉम बेंटन मात्र एक ऐसा प्लेयर है, अगर टीम पहले बैटिंग कर दिया ना तो जहां रख रहे हो, जैसे मैंने बोला पांच टीम में लेके चलना, पांच टीम में ड्रॉप के चलना, जिसमें लेके चलोगे ना वहां पर कम से कम एक टीम में एटलीस्ट कैप्टन मार के जरूर चलना, क्योंकि कर गया तो तबाही कर जाएगा। यहां से बात करें ब्रिट जहां रखोगे इसका भी सीधा वही करना एज ए कैप्टन, एस जे एक टीम में एटलीस्ट कम से कम 10 टीम में रखोगे आप इसको तो 10 में से एक टीम में कम से कम कैप्टन जरूर रहना, ठीक है। ऐसी टॉम एपल मतलब बनता नहीं है, सीन डिक्सन का भी नहीं, यहां से कोई मतलब बनता नहीं, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप रखना चाहते हो रख सकते हो अपने बेस पर, बट मैं नहीं कहूंगा। डेविड विली भैया ग्रैंडिक का भी दावेदार रहेगा एज ए कैप्टन ग्रैंडिक की टीम्स में, ध्यान रखना इसको भी लेके चलना ही है। एस्ट्रोन का सजेस्ट नहीं करूंगा, बेन ग्रीन और एल ग्रोरी दोनों ही ऐसे प्लेयर है जिनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन तक जा सकते हो इस मैच में, आपको वाइस कैप्टनसी का एक अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। यहां से आ जाओ सैंडरसन और आपका हेलरिच और स्क्रीनशॉ, अगर आप ऑल आउट वाली टीम बना रहे हो भाई जल्दी 150 से नीचे टाटा बाय बाय कराएं इनको और अपना जीते, तो उस सिचुएशन में सैंडरसन है, फिल्डरिच है और स्क्रीनशॉ है, तो इस तरह के इन तीनों का भी कैप्टन एज ए कैप्टन का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हो मल्टीपल टीम्स में, पता आपको एक टीम से कभी कवर नहीं हो पाएगा। यहां से आ जाओ क्रैक ओबर्टन है, जैक बॉल मर में किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, इवन नहीं आता है वॉइस कैप्टन भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बनाना चाहते हो तो अपने बेस पर बना सकते हो बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये था भैया टोटल प्रेडिक्शन NOR यानी NOR वर्सेस SOM की ड्रीम 11 की, जितने भी आपको प्रेडिक्शन के मतलब ग्रैंडली की टीम बनाने के मटेरियल चाहिए वो सारा अब तक दे चुका हूं, वीडियो स्किप करिए, पहले बोला पीछे जाके देख लो बहुत टाइम है, और अपने प्रिपरेशन करो अपनी टीम बनाओ, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो हमने तीन फैंटेसी एप्लीकेशन बताई है उनको डाउनलोड जरूर करना, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको पहले बोला हमारे लिए फायदा है इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ताकि टॉस के बाद आपको अपडेट्स वगैरह मिल सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।